हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंटिन्यू एक्सरसाइज 24 फ्रॉम सम नंबर 6। सम नंबर 6 इज फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाइट। हमने लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो उसके लिए उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। नाउ सी, लेंथ इज 12 मीटर एंड ब्रेथ इज 8 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर। तो हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, दैट इज लॉन्गेस्ट पोल दैट इज लेंथ ऑफ डायगोनल। फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज 12 मीटर, ब्रेथ इज 8 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर। 12 इंटू 12 इज 144, 8 इंटू 8 इज 64 एंड 9 इंटू 9 इज 81। तो दैट इज, जब इनको ऐड किया तो हमारे पास है 289। तो रूट ऑफ 289 इज 17। तो देयरफॉर जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल है रूम की, हमने फाइंड करनी है ना 16 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 972 मीटर क्यूब इफ इट्स लेंथ एंड द ब्रेथ 16 मीटर एंड 13.5 मीटर रिस्पेक्टिवली दैट इज लेंथ इज 16 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 13.5 मीटर फाइंड इट्स हाइट तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है नाउ सी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 16 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 13.5 मीटर एंड हाइट हमने फाइंड करनी है उसको लेट कर लिया है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू ह
972 को डिवाइड कर देंगे 16 इंटू 13.5 के साथ, तो पॉइंट कैंसिल ऊपर 10। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे 16 और 10 गोज टू टेबल 2, 8 टू द 16 एंड 5 टू द 10, एंड 5 और 1 एंड 35 गोज टू टेबल 5, 5 वन ज 5, 5 टू द 10 एंड 5 सेवन ज 35। अब 8 और 972 गोज टू टेबल 4, 4 टू ज 8 एंड 243 इंटू 4 इज 972, 27 और 243 गोज टू टेबल 3, 9 थ्री ज 27, 8 3 is a 24 and 3 1 is a 3 and 9 or 81 goes to table 9, 9 1 is a 9 and 9 9 is a 81. So therefore 9 upon 4 meter cube is equal to h meter square. So meter square and meter cube yahan se ek meter bach jayega, to ye hamare paas aa gaya 9 by 4 meter, that is aayega 2.25 meter. So therefore height of cuboid is 2.25 meter. Now next question. Question number 8. Question number 8 is the volume of cuboid is 1296 meter cube. Its length is 24 meter and its breadth and height are in the ratio 3:2. Find the breadth and height of the cuboid. Volume given है and length given है. Breadth and height in form of a ratio. तो हमने breadth और height find करनी है. Now see. Length of the cuboid is 24 meter और breadth and height find करनी है हमें, वो ratio में दिया, तो let the breadth and height is 3x and 2x. The volume of cuboid given 1296 meter cube. The formula of volume of cuboid is length into breadth into height is equal to, हमारे पास जो given है 1296, length is 24, breadth is 3x and height is 2x. तो यहां से x की value first of all find करेंगे,
थ्री टू सिक्स एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू 1296। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 24 और 6 को नीचे ले जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, 1296 को डिवाइड करेंगे 24 इंटू 6 के साथ। तो गोज टू टेबल, 6 वन ज़ा 6 एंड 6 टू ज़ा 12 एंड 6 वन ज़ा 6 3 कैरी, तो 36 6 ज़ा 36। अब 24 और 216 गोज टू टेबल 2, 12 टू ज़ा 24 एंड 108 इज 216। देन अगेन गोज टू टेबल 2, 6 टू ज़ा 12 एंड 54 टू ज़ा 108। अगेन गोज टू टेबल 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 27 टू ज़ा 54। 3 एंड 27 गोज टू टेबल 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 9 3 ज़ा 27। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो स्क्वायर उस साइड जाके रूट, तो 9 का जो रूट होता है वो 3। तो देयरफॉर breadth is 3 into 3 is 9 meter and height 2 into x that is 2 into 3 is 6 meter. Now next question, question number 9th is, the surface area of cuboid is 468 centimeter square if the length and the breadth 12 centimeter and 9 centimeter respectively, find its height. Surface area given a length and breadth given hai, toh humne height find karni hai. We use the formula of surface area. Then we have to find height. Ninth question, the surface area of cuboid is 468 and length and the breadth are 12 cm and 9 cm respectively. Find its height. Hame length aur breadth diye hai aur surface area of cuboid given hai. To use the formula of surface area. Hum kya find karenge wahan se? Height. Now see. Length is 12 cm, breadth is 9 cm and surface area of cuboid is 468 cm square. तो फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया इज 2 टाइम ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 468। एल इज 12, ब्रेथ इज 9, ब्रेथ इज 9 और हाइट इज एच, लेंथ इज 12। तो 12 इंटू 9 इज 108, 9 एच प्लस 12 एच, तो 108, 12 प्लस 9 इज 21H और ये 2 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 468 डिवाइड बाय 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 4 टू ज़ा 8। देन 102 इज माइनस वन अदर साइड, तो 34 माइनस 108, 126। देन 126 इज डिवाइड बाय 21 इज 6, तो हाइट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th इज, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 6.5 मीटर एंड 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड फर्स्ट द एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम एंड सेकंड एरिया फ्लोर ऑफ द रूम। एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ फॉर्मूला, जब एरिया फ्लोर ऑफ द रूम फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ इन टू ब्रेथ, क्योंकि जो फ्लोर और रेक्टेंगल होती है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज 8 एंड ब्रेथ इज 6.5। तो दिस सम इज इन योर होमवर्क। पहले जो डिमेंशन रूम्स की है, लेंथ ऑफ रूम इज 9 मीटर, ब्रेथ इज 6 मीटर एंड हाइट इज 3.6 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया फोर वॉल्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला ऑफ एरिया फोर वॉल्स इज 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी इनटू हाइट, लेंथ इज 9 एंड ब्रेथ इज 6 एंड हाइट इज 3.6। तो 9 प्लस 6 इज 15 इनटू 3.6, तो पॉइंट का आंसर 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 36 इंटू 3 इज 108 मीटर स्क्वायर। नाउ उस वॉल में एक डोर है और दो विंडोज है, तो उसको भी माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डिमेंशन फाइंड करेंगे। नाउ तो एरिया ऑफ वन डोर 1.4 इंटू 2 दैट इज 2.8 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ विंडो विंडो की जो डिमेंशन है 1.6 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर,
तो 75 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, यूनिट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 1.6 इंटू 75 बाय 100 मीटर स्क्वायर। नाउ या तो हमारे पास है 1.2 मीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ ऑल वॉल्स फाइंड करना है एक्सक्लूडेड excluding one door and two windows। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एरिया फोर वॉल्स हमने फाइंड किया था 108, उसमें से वन डोर जिसकी डिमेंशन है 2.8 और टू विंडोज जो है 1.2, तो ये बन गया 108 माइनस 2.8 माइनस 2.4 दैट इज 102.8 मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ 22.50 पर मीटर। हमारे पास रेट ऑफ वाइट वॉशिंग गिवन है, इज इक्वल टू रुपीज 22.50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास एरिया फोर वॉल्स एक्सक्लूडिंग द वन विंडो एंड टू डोर्स आई हैं उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2313 दैट इज 2313। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ सीलिंग। रेट ऑफ सीलिंग जो गिवन है रुपीज 25 पर मीटर स्क्वायर। हमने कॉस्ट ऑफ सीलिंग फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ सीलिंग के लिए क्या करेंगे, 25 के साथ रूम की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज जो रूम की लेंथ है इज 9 एंड ब्रेथ इज 6 दैट इज 25 इंटू 54 इज रुपीज 1350।